सर्वात्मा मतलब सर्वांतर जाति
सर्वदर्शन सर्वसाक्षी इंद्र यज्ञ का बारे में जानते हुए भी बड़ा विनम्र का साथ नंदो पुरो पुरो मान अर्थात नंद प्रधान और जो वृद्ध उठा ये लोगों से पूछा क्या पूछा पुछता मैं पिता कोयम संभ्रमों का उपार तो किम हवम कत्सव उद्देश केनुवा सत्थते मत हे पितो आप लोगों का यही जो जो किस कारण के लिए अगर यदि युद्ध का लिए हो ये कौन सा युद्ध है उस युद्ध का क्या फल है उस युद्ध का देवता कौन है और कौन सा द्रव्य से ये युद्ध होता है ये मेरा पास कृपा वर्णन कीजिए एक गृही महान काम मध्यम शस्रु सभी नही गुप्तम विशाल गुणम कृतम सर्वात्मना वस्तः पर दृष्टि नाम मित्रों विषाम तो कहा मेरा जानने के लिए बड़ा ही इच्छा होता है अटे पिता मैं सुनने की भी इच्छा करता हूं मेरा पास सब कुछ बताइए उस वक्त भी जब देखा कि नंदो आदि गोपों ने मौन है तब बोला जो लोग सब का समान दृष्टि देखते हैं आत्मदृष्टि संपन्न है जिनको अपना पराया भेद नहीं है जिनमें मैत्री औदासीन का विद्या स्वभाव नहीं है इस्मादिक जो साधु है ये कोई ही काम वो कौन करते इसलिए आप लोगों का ये गोपन करना ठीक नहीं है अगर सवाल हो तुम तो बच्चा हो तुम्हारा ऐसा प्रश्न का क्या जरूरत है कि हमारा इस विषय में बड़ा अभिलाष है जिसलिए सर्वना इच्छुक है इसीलिए यहां गोपन नापन में साधुओं का काम है क्योंकि सबको बराबर नहीं उदासीनो परिवार बच्चों आपको तो अब सुख जो लोग भेद दृष्टि संपन्न वो लोग क्या करते हैं उदासीन को शत्रु जैसे वर्जन करते हैं इस उनका पास मंत्रादि गोपन रहते तब भी जो लोग सूर्य जिनका आत्मतुल्य विश्वास रखते हैं इसलिए आप हम लोग उनको हम लोग क्यों मैं बहुत इसलिए हमारा पास मंत्रणा को गोपन रखना संभव नहीं
उदासीन को पद। अब मैं तो उदासीन नहीं, मैं इसमें दिलचस्पी रखता हूं। ज्ञाता हो ज्ञाता जो पद्मनि जनो लो मनुति स्थिति विदुषो परम सिद्धि तथा नादी विशो भवे। नंद महाराज ने कहा और जन्म
गया कि भगवान इंद्र भी पौजन्य मेघ और कोई मेघ समूह उनका प्रिय मूर्ति किसका इंद्र कोई मेघी था वो जंगम भूत का खेती करने के लिए जहां वे लोग गर्मी में मृतप्राय हो जाता मुर्दा मुर्दा जैसे हो जाता तब क्या करते हैं भारी बरसने से भारी बरसने से वो ताजा हो जाते तम का तो वयो मन्नेशो बागुचाम पोती मिस्तरा द्रुगोई स्पादे एक साशिद्ध जजंती गुरुपुरीत नरा एक सौ हम लोग और जो सब लोग थे जो मानव थे कोई मेघ का अधिपति जो इंद्र के और उनका दृष्टि से ये जो अनाज प्रकरण था ये हम सब पैदावार इसलिए उसी से इनको आराधना करता हूं बच्चे सो उपजीवन की त्रिवर को भवे पुंसा पुरुष कारण वजन न फलोहान उनका दुर्घुषी यज्ञ का जो अवशेष उससे ही लोग जीवन धारण अर्थात इंद्र पूजन करने का भाव जो अवशेष रहते हैं उसे ही लोग जीवन धारण करते हैं त्रिवर्ण धर्म अर्थ काम एक प्राप्त करने का ही समर्थ अगर सवाल हो ये कृषि आदि एक तो जीव का बचने के लिए उपाय तो कोई मेघ ही कृषि कर्म का और उत्पादन साथ देता जो एवं विश्व पारंपरिक नरो काम देशा फलम रूप और कोई नाम नोती शोभ अगर कोई व्यक्ति इच्छा से विद्वेष से भय से लोभ से एक जो कुल परंपरा हमारा वंश परंपरा में जो धर्म आ रहा है इसको जो त्याग देता है ये कभी मंगल करता है ये मंत्र मारा उत्तर दिया तब श्री सुको वाच सुनते निकल वचो निशंत मनम तथा नेशम ब्रजोषम इंद्रा मनुयन सुखदेव ने बोला कि भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज और जो ब्रजवास जैसे उपासन ब्रजेंद्र सब जो ब्रजवासी था
का इस प्रकार को श्रवण करेगा। इंद्र का क्रोध पैदा करने के लिए नंद महाराज को फायदे लगे। श्री कर्मणा चालिते जंतु कर्म नैव प्रलीय शुभम भोगम फलक्षेम कर्म कर्म नहीं कर्म नहीं एव अभिपद्यते। कृष्णा क्या उत्तर दिया? हे पुत्र, इहो लोक में जो जीव कर्म वश्य जमन करता है, जैसा कर्म करता है ऐसे ही जमन करता है। तो जन्म का कारण कर्म और मृत्यु भी ऐसे ही, सुख दुख भी ऐसे। कोई व्यक्ति किसी को सुख नहीं दे सकता, दुख भी नहीं दे सकता, और वो ही उनका सुख दुख का कारण है। ऐसा कि भय का ये सब कर्म से आता है। अस्ति चेदि श्रोतुं क्वचित् फलो युक्तं न कल्पम् कर्तरं भजति श्रोतुं न च कर्तु प्रौढीश। जब भी दूसरी को कर्म फल दाता एक ईश्वरी है, तब भी उन्होंने कर्म आदि कोई वस्तु को अवलंबन करके कहता, यदि ऐसा ना करे तो भगवान का निरपेक्ष करेगा। इसीलिए जो लोग कर्म नहीं करते हैं इनको तो भगवान को देखा नहीं, ये सब तो देखा जाता नहीं, देखो भी दिया ऐसा बोला। गोली भी उससे भेद नहीं पड़ सकता,
संस्कारी नाते क्या प्राप्ति है, लेकिन पहले में जो मां उसको डांट दे वो उतार दे, इसलिए भक्ति तो हो जाते क्यों जाते, किसने शिक्षा दिया, तो परमांशा उसका ऐसी वो को बच्चा को बोलने पड़ता है माता का स्थान पियो, वो तो पी लेते हैं, इसी माँ भी अपना कर्म को कोई टाल नहीं सकता, स्वभाव स्वभाव तो जानो स्वभाव मनोवत स्वभाव सविदम सम्म स्वदेवा सूर मांसम, जीव मात्र स्वभाव का वही और उसी अनुसार ही चलता है, सिर्फ मनुष्य नहीं देव असुर सभी इस निखिल ब्रह्मांड उसी में अवस्थित है, देहां चा भूतां शत्रु मित्र दासी कर्म गुरुश्वर, जीव कर्म बोसी कभी देव जो प्राप्त करता है, कभी दिव्य दिव्य करता है उसी जो आओ प्रेमी की कारी आओ कर्म से ही वो त्याग देता है, कर्म ही जीव का शत्रु कर्म ही जीव का मित्र और उदासी तस्मात संपूर्ण कर्म स्वभाव तो सफल हो गया, अन्य सा जिनों पंथे तथे वश्य ही गरीबतम, इसी कारण ब्राह्मणादि वर्णों में अवस्थान करते हुए अपना अपना कर्म भी को कर्म करते रहते, कर्म का ही आराधना जिसका आश्रय से सुख में जीविका निर्भर हो जाता है, वही मानव आदि आदि वही आदि वही का तरम भाव जत्तम नाम मुखजी न तस्मा बिंदति क्षेम जारा नाचा सती यथा आज्ञा जारा अर्थात औसती नारी स्वामी का आश्रय में रहते हुए भी दूसरी पुरुषों का सेवा करने से जैसे वो कभी मंगल प्राप्त नहीं कर सकता, किसी भी मानव की एक वस्तु को जीवन उपाय अवलंबन कर अन्य वस्तु का सेवा करने से कल्याण भागी होता है, इसका मतलब क्या, इसका ये करे तो उसका जीवन भी कल्याण है, ये क्या चीज है, अर्थात कोई व्यक्ति एक देवता को आराधना किया उससे उनका सुख प्राप्ति नहीं हुआ तो दूसरी को करेगा, किसी को उदाहरण दिया औसती नारी का मामला, ये जैसे पोती को त्याग देंगे उनका दूसरी को उपपोती को असुक्त होता है उनका सुख होता है,
किसी में नहीं कोई देव या देवी इसका आराधना से भी वो सुख होता है। बढ़ते तो ब्रह्मणा मित्र राजन न रक्षया वार्तया जीव छीजया ब्राह्मण क्षत्रिय पृथ्वी पालन वैश्य कृषि वाणिज्य पशुपालन और शूद्र निजसेवासी जीवन जत्रा निर्वाह निर्दिष्ट इसका कभी बदलो ना। ब्राह्मण क्या करेगा ना वेद ही पुष्टि वेद ने जो निर्दिष्ट किया उसी मांगी भक्तियों क्या करेंगे पृथ्वी पालन करेंगे वस्तु क्या करेंगे कृषि वाणिज्य पशुपालन क्षुद्र क्या करेगा बीजों सेवा करेगा बीजों मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का सेवा करेगा कृषि वाणिज्य वृक्ष उसी नाम कृषि वाणिज्य उसे मतलब होता है अर्थ देके उसको बैग देना यह खुशी। जब भी एक पशु के लिए निर्दिष्ट है हम लोग इसका बीच में सिर्फ गोरक्षा ही करता अर्थात गोपालन नहीं करता इसको ही अपना जीवी जीवन का उपाय समझ लिया। इसलिए गोपी ही वो जो गो गाय यही हमारा देवता तुल्य पूज्य भगवान शिक्षा हम लोग ऐसे ही। इसलिए जब भी राम परम ब्रह्म है जब उन्होंने खात्रो लीला किया राजा बना तब उनका पास एक ब्राह्मण का लड़का अकाल मृत्यु हुआ लेके पहुंच गया के लक्ष्मण का पास हाजिर हुआ ये राम का वापसी मेरा लड़का को मौत क्योंकि राजा का पास देश में अकाल अकाल मृत्यु होता है। लक्ष्मण जाके खबर दिया राम बोला तेरे लड़का को तेल का द्रोण में रखो ऐसे ही रखा अगस्त को स्मरण अगस्त आया अगस्त से पूछा मैंने कौन सा पाप किया जिसने ब्राह्मण का लड़का को मौत पर उन्होंने उत्तर में क्या बोले आपका राजत्व में शूद्र तपस्या तो इसीलिए आपने राजा इसको रोका नहीं इसलिए ये पाप आपका होता है। शास्त्र में विधान ऐसा है प्रजा वर्ग जो पाप करेगा उनका छोटा हिस्सा राजा में बचेगा आप शिष्य लोग जो पाप करेगा इनका छोटा हिस्सा गुरु में बचेगा। इसीलिए ऐसा उस
शूद्र कहां को विस्तार करते हैं? तो बताया दंडपाल राम जानते नहीं जिसने खातुर लीला करता है इसने कोई ब्राह्मण मुश्किल उनको लेके गया वहां जाकर देखा कि एक व्यक्ति शीर का नीचे पैर को ऊपर करके सूर्य का तरह मेगा देकर तपस्या किसे पूछा आप कौन सा कुल को पवित्र किया शूद्र को आपका नाम शंभु उसी बाबा तुमको बोला है आओ अवश्य से प्रार्थना आप आशीर्वाद दीजिए ब्राह्मण का लड़का जिंदा उसी बाबा क्या बोला अवश्य इनका गोला मुट्ठी में भेजने का करता वो लड़का जिंदा आशीर्वाद का जो उसका बात देखा एक आदि घटना एक व्यक्ति अपना शरीर को काट काट के उसके गोश्त खुद ही खाता है उसका बात उस तालाब में स्नान किया स्नान करने के बाद बराबर एक ऐसी अजीब बात है मनुष्य उत्तम पुरुष अपना गोश काट करके खाते ये तो कबाब भी खाता था उनको पास किया उन्होंने एक आपेल लाया राम को देंगे राम बोला मैं तो ले नहीं सकता ये दान पवित्र जलन जाल है ये तो ब्राह्मण का ये निर्देश शास्त्र ये तो हमारे लिए कि मैं खोती हूँ मैं दान कैसे दा परम आप यदि ना ले इनको कभी भी खाना मिलेगा रामचंद्र उसको ले बाद में वो कौन था वो विदर्भ का राजा था ते सब कुछ दान दिया था अन्न दान किया था किसी ने अन्न मिला वो
ಒಂದು ಪೀಠ ಸಸ್ಕುಲಿ ಸವಿ विनाश
इसलिए हम लोग अपना मंगल के लिए और गो का मंगल के लिए इनको प्रणाम करेंगे। श्री कृष्ण का स्मरण में आदिष्ट प्राप्त करके पर्व गो एवं ब्राह्मण का पूजा यज्ञ समग्र से समाप्त करके कृष्ण का साथ ब्रज में प्रवेश किया। अर्थात यज्ञ इंद्र यज्ञ कौन करा, कौन कराया? बात होता है कि भगवान ही भगवान का पूजा शिक्षा दी, मैं तो लोग कैसे जानेगा। इससे क्या हुआ, जब इंद्र का यज्ञ नष्ट हो गया तब जो लोग कृष्ण का कहने से इंद्र यज्ञ मंद किया उस गोपियों का प्रति गुस्सा किया और इंद्र को प्रलयकारी जो मैं उसको बोलते हैं संवर्त, वो संवर्त को आदेश दिया तुमने खूब वर्षा करो, आओ ऐसा को बहा दो। यही वनवासी गोपों का कितना अभिमान है, हमारा पूजा हम कर दिया, एक बच्चा को कर दिया। वो लोग यही मर्द कृष्ण को माने मानुष कृष्ण को कहने से मुझे अवहेला किया, इसीलिए खत्म कर। जैसे मूल व्यक्ति आत्मानुसंधान विद्या को छोड़कर और भिड़ो कर्म जात नाम मात्र नौका भी जाप को अवलंबन करके भव समुद्र पार होने के लिए इच्छा कर, मामूली किस्ती से भव समुद्र पार होता है। इसमें भी गोपों ने आत्मानुसंधान नहीं करके कृष्ण का आश्रय से भव समुद्र पार होने के लिए इच्छा करते हैं। ये लोग है बाजाओ शब्द मत कम पंडित और मान कृष्णा मत को भक्त गोपा में बाचा शिशु शोभा पंडित हिमानी अविनीत भग्र मनुष्य का अर्थात कृष्ण का आश्रय करके मुझे अवहेला किया, नेग्लेक्ट किया। सब बात को बोलने लगा उस समय जो लोग धनमार्ग में मत होता है वो कृष्ण से बार बार एलोगन का जो वर्ग हुआ इसको हकाम करना कैसे करेगा, तो वर्षा करो और मैं नंद का जो गो का कर्म है गो का जो घमंड है उसको भी विनाश करो। साथ साथ क्या वो आदेश दिया मूर्ख कर्म उनचास मूर्ख खूब दो जो तुम्हार रामिंद्र ऐसा आदेश दिया तब ये लोग बंधन तो होकर बहुत वर्षा
और मेघ से जो बिजली और उसका जो आवाज गर्जन ब्रज ने शिला वृष्टि होने लगा। ये लोग कैसे बारिश का धागा है इस स्तंभ का माफी वर्षण हो गया, पृथ्वी जल में डूब गया। तब आप कोई भूमि को देखने को समर्थ हुआ ही नहीं, सब डूब गया। तब पशुओं ने इतना वायु से एक वायु से कतेज वायु और वर्षा से काटने लगा। ये लोग क्या करने लगा, पशुओं ने ये अपना देहों से शीर को ढकने लगा और बछड़ा को अपना पायल के नीचे रखकर बचाने की कोशिश। तब ब्रजवासी गण कहने लगा, हे भक्तवत्सल महाभक्त कृष्ण प्रभु, एक गुस्सादार इंद्र से एक गोकुल धाम और अमृतन को आप ही रुक्षाखंड में समाप्त। भगवान श्री कृष्ण गोकुल का निवेदन से पहले ही एरोगन का देखते हुए एक मूर्ख इंद्र का काम है ये समझ लिया। इंद्र का यज्ञ बंद करने से कुपित तो होकर ऐसा कर रहा है, मैं अपना सामर्थ्य अनुसार इसका प्रतिविधान करूंगा। रूप तमोगुण इनका विनष्ट कर दिया, सप्तगुणशाली देवता के लिए ऐसा ईश्वर अभिमान कभी संगत होता है, मैं कोलोबन का अहंकार नष्ट करने से कोलोबन का भी शांति होगा, ऐसा कृष्ण विचार। हमारा अधिक परोक्षित तो, ब्रजवासी को मैं रक्षा करूं, यही व्रत ही मैं ग्रहण किया। जब कृष्ण ऐसा कहकर एक हाथ में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, बालक जैसे छत्रा छत्रा होता है एक किस्म का मशरूम, वो देखने में छत्रा का अनुभव हल्का मशरूम उसी कमाकी जैसे बच्चों को उठा देते हैं, कृष्णों भी ऐसा गोवर्धन को उठा दिया और उन्होंने गोकुल का कहने लगा, हे माता हे पिता हे ब्रजजन, आप लोग गोवर्धन का सहारा लीजिए, इसका अंदर में आ जाइए, ये हमारा हाथ से गिरेगा नहीं, इसका अंदर में आने से वायु और वर्षा इससे भय करेगा, ऐसा बोला। तब गोपों ने कृष्ण का तरकुश अस्वस्थ होकर अपना गो और सकट में सब चीज लेकर ब्राह्मण आदि का साथ कृष्ण का आदेश स्वच्छंद भाव से गिरी गुहा में प्रवेश किया।
कृष्ण ने अपना भूख प्यास ये सब छोड़ करके एक सप्ताह गोवर्धन को धारण किया और अपना स्थान से जोरा से भी इधर उधर हुआ। ब्रजवासियों ने ईश्वर का साथ ही दर्शन कर कृष्ण का आसमानिक शक्ति देखकर ये लोग आतंक हो गया और इधर अपना संकल्प जो टूट गया तब मेघों का निवारण किया आग बरसाने वाले उन इंद्र तब कृष्ण देखा ये अकाल में जो बारिश हो रहा था ये मेघ सब ढक गया सूर्य उदित हुआ और बालू वृष्टि सब बंद का बोला हे गोपो आप लोग अभी स्त्री पुत्र धन आदि देकर एक गिरी हुआ से बाहर में आ गए अभी कोई भय वृष्टि खत्म हो गया नदी में भी पानी बहुत कम हो गया इसमें भय का कोई कारण नहीं। ये लोग जो अपना गृह को कारण सफर में लेकर गया था ये लेके स्त्री बालक वृद्ध सभी निकल गया प्रभु श्री कृष्ण सबका सपना में अनाज में गोवर्धन पर्वत को उनको जैसा था ऐसा स्थापन है गोवर्धन लीला जशोदा रोहिणी नंद ये सभी महाबल राम एवं कृष्ण को आलिंगन करके आशीर्वाद किया तब भी भगवान मुक्ति हुआ आशीर्वाद तब सर्गों में जो सब देवता सिद्ध गंधर्व कारण ये भी बड़ा पुष्ट होकर एक पुष्प वर्षने लगा देराज देवताओं ने शंख दुंदुभि ध्वनि करने लगा नारद आदि सब गान गाने लगा नंद जशोदादि को परिवृत होकर कृष्ण बलदेव का साथ व्रत में मान किया और ये इंद्र का भय हो गया मैंने क्या किया अब मैं क्या तब इंद्रों ने देखा कि हमारा देवनाथ फेल हो गया तब उन्होंने ब्रह्मा को पास किया अब मुझे क्या करना है तो ब्रह्मा ने उनको बोला तुमने कृष्ण का पास जाके माफी मांगा बोले मुझे माफ करेंगे मैं तो बहुत कुछ खाली खुशी बोलता है सुरभि गाजी को अग्रवर्ती करके महिला अपने सर्व गंगा का जल ले जा करके उनको पास जाओ ये सुरभि को देखने से उनको गुस्सा वो जाकर जब पहुंचा तब कृष्ण का पास कृष्ण होगा मैं तो छोटा मारो आप हमारे पास बाद में बोला उनको ये दिया इन्होंने सर्वगंग का जल से उनका अभिषेक और कोई जो अभिषेक का पानी जहाँ खड़ा हुआ उनका नाम है गोविंद हम लोग ब्रजगुण न उतरे वो गोविंद को भी लोग जॉब और सबर का हार पसंद
बाद में कुहाई रहा था कि वो शिक्षा दिया पूजन करके और भक्तों का माध्यम से शिक्षा जो भक्त है प्रजा जो वृत्ति से दूध पीने वाला वो है मालवेंद्र चक्कर। उन्होंने उनको ही दूध लेके दिया और बोला मैं यहाँ पड़ा हूँ मुझको उठाओ मैं तुम्हारा इंतजार में था अबे माधवेंद्र जी को उठा। तो उसका उन्होंने जिन्होंने एक कभी भीख मंगनी उन्होंने मांगा और वही भगवान के लिए अभिषेक करके उनका अन्नकूट जैसे भोग लगाया कितना दिन 2 साल तक लेकिन उनका उसमें कोई अहंकार हुआ नहीं। भगवान ने क्या बोला तुमने तो बहुत कुछ किया शरीर जल है तुझे लिए मल जो कंकाल भोग जाते चला गया दोबारा आया भगवान में आसक्ति जगत का वस्तु में आसक्ति हुआ है हम लोगों को उनका भगवान के लिए करने का बहाना विषय में फंस है ये बड़ा मुश्किल इसलिए होशियार पंचाश्रति आना।